पांचों रामी नक्सलियों ने एसपी के सामने सरेंडर किया है। सभी पांचों नक्सलियों पर 7 लाख रुपए का इनाम भी था। आपको बता दें कि एसपी ने नक्सलियों को 10-10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी है। पंकज सिंह भदौरिया जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, कितनी बड़ी सफलता इनके समर्पण को माना जाए? जिस तरीके से दंतेवाड़ा में इस समय चुनाव चल रहा है, इस लिहाज से ये दंतेवाड़ा पुलिस के लिए अहम कामयाबी है। और ये जो पांचों लोगों ने समर्पण किया है, ये अलग अलग जिले के थाना क्षेत्रों से हैं, जैसे कि बीजापुर, नारायणपुर और इसमें कुआकुंडा में मलंगीर जो एरिया है उसमें 24 नंबर प्लाटून का सदस्य है बिलाराम गोरामी। एक पर 2 लाख का इनाम, एक पर 1 लाख का इनाम, इस तरीके से अलग अलग इनाम की राशि भी होती है। साथ में ये जो पांचों लोग हैं सरेंडर किए हुए, इन्हें 10-10 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दिया गया है। और ये कुआकुंडा इलाके में जो है ये बड़ी बड़ी वारदातों में शामिल रहे हैं। यहाँ पर देवा वार्ता करके प्लाटून नंबर 24 का सदस्य, उसके साथ ये सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। 2006 से संगठन में सक्रिय होकर के काम कर रहे थे। और इस लिहाज से दंतेवाड़ा पुलिस के लिए अहम कामयाबी, क्योंकि उपचुनाव का समय चल रहा है और जब जब दंतेवाड़ा में चुनावी मौसम होता है तो नक्सलियों के जो सरगर्मी है इलाके से बढ़ जाती है और कोई ना कोई खूनी वारदात करते हैं। इस समर्पण से निश्चित तौर पर एक अच्छा फायदा पुलिस को मिलेगा और इनपुट से हो सकता है कि और भी कामयाबी हाथ लग सके। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। चलिए खबर त्योथा से देखेंगे, जहां पर